जैसे देखो कि मैम उसमें दिखाया गया ट्रेलर इतना बहुत बढ़िया दिखाया गया है, एक्शन वैक्शन बहुत अच्छा लगा ट्रेलर में, लेकिन जब जैसे ही उसको मूवी को देखा उसके बाद मेरा नज़रिया बदल गया। ठीक है, जितना एक्सेप्ट करा था वो नहीं है। एक्शन जो था वो एक्शन पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, और कुछ ओवर एक्टिंग हो गई थी उसके अंदर, उसके लिए पिक्चर पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। मज़ा ही नहीं आया उसमें, वाइब ही नहीं आ रही थी मूवी में, एकदम बोरिंग सी लग रही थी। अभी राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच दिस बड़े मियाँ छोटे मियाँ अलक्सा मस्जिद काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सो फॉर दैट रीजन आई वोंट बी एबल टू वॉच दैट मूवी, आई एम सो सॉरी। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मैदान सही है उससे, ठीक, क्योंकि उसमें स्टोरी है। अजय देवगन की ज़्यादा अच्छी लग रही है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ नहीं अच्छी, मैदान देखा, मैदान अच्छी मूवी है। नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ अबीरा और आप देख रहे हैं बज़ूका। तो इस हफ्ते 3 बड़ी फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है, अजय देवगन की मैदान, और नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई अमर सिंह चमकीला जिसमें परिणीति और दिलजीत है। तो आइए हम हमारे जनता से पूछते हैं उनको कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद आई और उनका क्या रिएक्शन है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी 350 करोड़ बजट की फिल्म, वो 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई, तो आपको क्यों लगता है, क्यों फ्लॉप हो रही है? उसमें एक्शन जो था वो एक्शन पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, और कुछ ओवर एक्टिंग हो गई थी उसके अंदर, उसके लिए पिक्चर पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। जैसे देखो कि मैम उसमें दिखाया गया ट्रेलर इतना बहुत बढ़िया दिखाया गया है, एक्शन वैक्शन बहुत अच्छा लगा ट्रेलर में, जैसा लगा कि हमें कि मूवी एकदम जबरदस्त होगी, लेकिन जब जैसे ही उसको मूवी को देखा उसके बाद मेरा नज़रिया बदल गया, क्योंकि जो जो मैं एक्सेप्ट कर रहा था वो फोन फिल्म देख के वो मेरे को लगा नहीं इतना खास। छोटे मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ वाक्य में वो छोटे मियाँ हैं और वो बड़े मियाँ ही हैं, बड़े मियाँ अपने जगह जगह काम कर रहे हैं दूसरे फिल्मों में, और ये फिल्मों की तरह वो नहीं है ये फिल्म में। ठीक है, जितना एक्सेप्ट करा था वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्टिंग भी अच्छी नहीं थी और टाइगर श्रॉफ का भी कुछ अच्छा नहीं था, शाहरुख खान की वो अक्षय कुमार की भी एंट्री अच्छी नहीं थी, मैं गया था देखने बट मज़ा ही नहीं आया उसमें, वाइब ही नहीं आ रही थी मूवी में, एकदम बोरिंग सी लग रही थी। और अमर सिंह चमकीला जो अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है? नो, नेटफ्लिक्स पे आई यूजुअली वॉच सम हॉलीवुड मूवीज, आई एम नॉट इनटू मच इन बॉलीवुड, दैट इज अमर सिंह चमकीला इज अ बॉलीवुड, उसमें परिणीति चोपड़ा और दिलजीत है, सो आई एम मच इनटू हॉलीवुड मूवी। अच्छा, यू आर इन हॉलीवुड, नो, अच्छा। तो वैसे हाल ये कि 350 करोड़ बजट की मूवी जो है वो 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई, तो आपको क्या लगता है क्यों फ्लॉप हो रही है? मुझे तो मैडम पर्सनली अच्छी लगी मूवी, तो बॉक्स ऑफिस का इतना ये नहीं है मुझे। वैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ 350 करोड़ बजट की फिल्म 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई, तो क्या लगता है क्यों फ्लॉप हो रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ? उसमें एक्शन वगैरह कुछ ज़्यादा दे दिया, और वो वैसे टाइम पे रिलीज़ भी नहीं किया जैसे टाइम पे करना चाहिए, बिकॉज ये सब टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह एंडिंग रहता है तो कोई जा नहीं पाता है मूवी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखिए आपने? देखिए मैम, देखिए। कैसे लगा? अच्छी मूवी, अच्छी लगी, स्टोरी उसकी अच्छी है, और जो हीरो है उसमें अक्षय और टाइगर श्रॉफ उनकी जोड़ी भी अच्छी है, और उसकी स्टोरी अच्छी लगी मुझे। हाँ देखा हूँ, बट अभी राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच दिस बड़े मियाँ छोटे मियाँ, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, इट माइट बी लाइक द बाबरी अल अक्सा मस्जिद काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सो फॉर दैट रीजन आई वोंट बी एबल टू वॉच दैट मूवी, आई एम सो सॉरी। अजय और अक्षय दोनों की बात करें तो किसकी मूवी बेस्ट लग रही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ या फिर मैदान? मैदान फिल्म है जो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी उसमें अजय देवगन सर ने, बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत ही मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी हुई है उनकी। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मैदान सही है उससे, ठीक, क्योंकि उसमें स्टोरी है, फुटबॉल से रिलेटिव स्टोरी है, जो कि हम काफ़ी पीछे हैं फुटबॉल में, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, जो एक मैसेज दिया है उसके रिलेटिव अगर देखा जाए तो सही है मैदान। अजय देवगन ऐसे भी काफ़ी सीरियस मूवी बनाते हैं, उन पे उनके मूवी में काफ़ी कुछ मैसेज वगैरह होता है, अच्छा लगता है देख कर, उससे सही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ से सही है मूवी। अजय देवगन की ज़्यादा अच्छी लग रही है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ नहीं अच्छी, मैदान देखा, मैदान अच्छी मूवी है। मैदान आपने देखा? थोड़ी बहुत देखी मैंने, फ़ोन में ही देखी मैंने। तो उसके स्टोरी अच्छे पर वो भी बॉक्स ऑफिस में उतना क्यों कमा नहीं पाए? हाँ बट क्योंकि स्टोरी अच्छी है बट उसमें सीन्स उतने अच्छे नहीं है, ना मज़ा आई उतनी, वाइब नहीं आ रही थी मूवी देखने में, इसलिए नहीं आया। वैसे मैदान की स्टोरी अच्छी है पर बॉक्स ऑफिस में उतना क्यों कमा नहीं पाई? आजकल जो स्टोरी फिल्म होती है उसको लोग कम देखते हैं, उसको ज़्यादा करके एक्शन मूवी के ऊपर ज़्यादा लोग करवे जो लोग का
बाकी स्टोरी मूवी पे आजकल लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। वैसे मैदान देखी है आपने? यस। तो मैदान की स्टोरी अच्छी है पर बॉक्स ऑफिस में उतना कमा नहीं पाए? वो तो अभी वही आपको पहले बताया वही रीज़न, बट ये टाइम पे ईद भी आ गई थी और एग्ज़ाम भी चल रहे थे लोगों को, तो एंडिंग में उतना अभी इतना दिन हुआ भी नहीं है और भी दिन है, देखेंगे और चलेगी क्या नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है इंडिया में फुटबॉल का क्रेज़ नहीं है इसलिए मैदान जमा नहीं पा रही है बॉक्स ऑफिस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जिसी का क्रेज़ नहीं रहता वो भी लोगों को जैसा पसंद है स्टोरी वगैरह वैसा भी चलता है। वैसे मैदान के स्टोरी बात करें तो वो भी अच्छे है पर बॉक्स ऑफिस में उतना क्यों कमा नहीं पाए? वो तो देखो मैम, अभी लोगों को पसंद जो है जो बंदे रखे, ठीक है, किसी को फुटबॉल पसंद नहीं है तो उनको पसंद नहीं आएगी मैम, जिसको फुटबॉल पसंद है उसको समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आया फुटबॉल तो शायद उनको उस हिसाब से पसंद नहीं आएगा मूवी। वैसे देखा जाए तो नहीं आया लोगों को समझ के, इस वजह से भी नहीं हो सकता है कि नहीं देखने गए उन लोग कि फुटबॉल से इतना चाह नहीं है ना इंडिया में, तो इस वजह से भी हो सकता है मैम। तो मैदान के शोज भी कैंसिल हो गए तो उसका क्या रिएक्शन है? उसका तो बोल नहीं सकते, जो यंग लोग हैं वो लोग को ज़्यादा एक्शन पसंद है, उसके लिए भी हो सकता है, जो जैसे कपल्स है वो लोग को सबको आजकल एक्शन मूवी ज़्यादा पसंद आती है सबको, ज़्यादा स्टोरी एक्शन। तो आपको क्या लगता है मतलब अक्षय और टाइगर एक साथ जोड़ी नहीं जमा पाए? नहीं नहीं, उसकी जगह सलमान और शाहरुख होते तो ज़्यादा अच्छी जमती जोड़ी। नहीं नहीं, बिकॉज ये अक्षय कुमार तो अच्छा मतलब नेक्स्ट लेवल का है, वो है एक्शन हीरो, और टाइगर श्रॉफ को उतना उसमें मतलब है नहीं। देखो मैम, जोड़ी वो होता है जो मूवी अच्छी होती है, ठीक है, अगर जोड़ी मूवी अच्छी होगी तो जोड़ी भी अच्छी लगेगी, है ना, यही है बस। क्या लगता है अक्षय टाइगर एक साथ जोड़ी नहीं जमा पाए? नहीं नहीं जमा पाए, मज़ा ही नहीं आया। अभी तो शाहरुख खान ही बेस्ट कर रहे हैं, शाहरुख खान के साथ, उनके साथ करेंगे तो चल सकती है मूवी, मतलब अक्षय और शाहरुख खान, हाँ वो दोनों करेंगे तो मूवी चलेगी। तो आपको क्या लगता है अक्षय के साथ कौन ज़्यादा सूट करता था बेटर? बोलने की ज़रूरत नहीं है, सलमान खान। यस yes। तो आप शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ देखना प्रेफर करते हो? जरूर जरूर, बहुत बढ़िया एक्टिंग है लोग दोनों की, बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत ही पसंद करता हूँ मैं दोनों को ही। आपको क्या लगता है इंडिया में फुटबॉल का क्रेज़ नहीं है इसलिए मैदान जमा नहीं पा रही है बॉक्स ऑफिस में? बिल्कुल मैम, जैसे कि क्रिकेट में जितने क्रेज़ है इंडिया में उस हिसाब से फुटबॉल में भी होना चाहिए, जैसे कि बाहर देशों में फुटबॉल से रिलेटिव काफ़ी बहुत अच्छा माने बहुत क्रेज़ है, वो खर्चा भी बहुत करते हैं, जैसे हम भी चाहते हैं कि जैसे फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार होता है तो हमारे इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करे, हैं तो वो भी खेले, हम भी चाहते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो विश्व में 4 साल में एक बार होता है वो इसमें पार्टिसिपेट इंडिया को भी करना चाहिए और हमारे सरकार को भी इसमें कदम लेना चाहिए कि कुछ काम हो इसमें, कि मैं इनको भी उतरना चाहिए फुटबॉल से रिलेटेड, उनके भी इस गेम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप बड़े में या छोटे में को मूवी को कितना रेटिंग देना चाहोगे आउट ऑफ 5? 4। वेल, लोगों से बात करके ये पता चला कि जितना प्यार मैदान मूवी को मिला है उतना प्यार बड़े मियाँ छोटे मियाँ को नहीं मिला है, और साथ ही में अमर सिंह चमकीला मूवी को लेकर भी लोगों में उतना क्रेज़ नहीं है। वैसा आपका क्या सोच है ये कमेंट सेक्शन पर लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बज़ूका के साथ।